सीक्रेट वीडियो ऑफ सोहेब अख्तर। सोहेब अख्तर की ये सीक्रेट वीडियो है, 15 से 20 साल पुरानी वीडियो है ये। कैसे ये ट्रेनिंग करते थे, कैसे इन्होंने अपने रनअप को इम्प्रूव किया, कैसे ट्रेनिंग को मैनेज करते थे ये खुद बताएंगे। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट, ये वीडियो कहीं पे भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है, ट्रेनिंग की वीडियो सोहेब अख्तर की। कैसे इन्होंने अपने बॉलिंग को इम्प्रूव किया, रनअप को इम्प्रूव किया, इनकी जवानी सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कजाफी स्टेडियम में एक्सरसाइज की, इतनी ज्यादा वर्जिश, आपका दिल नहीं घबराता? नहीं नहीं, सारे फिट रहने के लिए कर रहा हूँ, अब इससे दुगनी और करूंगा आज के लिए, फिर कहीं जाके आज का वर्कआउट खत्म होगा। दुनिया के किस बल्लेबाज को आउट करना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है? मुश्किल तो कोई चीज भी नहीं है जी, और बैट्समैन अच्छे अच्छी क्लास वाले सारी दुनिया में है, लेकिन जब आप अच्छा भाग रहे हो, आप रिदम में हो, आप बॉलिंग तेज कर रहे हो, तो दुनिया को बैट्समैन मुश्किल लगता है। बाकी खिलाड़ियों के साथ पानी में वर्जिश की, क्रिकेट तो खुशकी का खेल है, आप पानी में वर्जिश कर रहे हैं? पानी की जो एप्लीकेशन है और पानी का जो रेजिस्टेंस पावर है, उससे आप इंची जल्दी रिकवर करते हैं। दुनिया भर में मशहूर है कि फास्ट बॉलर्स में गुस्सा बहुत होता है, आप में कितना गुस्सा है? एक बंदा 36 यार्ड से आके बॉलिंग कर रहा हो तो ऑब्वियसली उसका हार्ट पंपिंग रेट भी ज्यादा होगा, हार्ट बीट भी ज्यादा होगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, पसीना भी आएगा, उसको प्यास भी लगेगी, फिर उसको कोई गलत हट के गलत शॉट मार दे तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा भी चढ़ना ही है। मेरे ख्याल में वो बताइए, मुझे थोड़ा गुस्सा चढ़ता था, थोड़ा इनएक्सपीरियंस था, जवान था, यंग था, खैर जवान तो अभी भी है। वसीम अकरम से आपने रहनुमाई नहीं ली? ऑफकोर्स जी, जितनी बॉलिंग मैंने सीखी है सारी मैंने वसीम भाई से सीखी है भाई, जितने रनअप की प्रॉब्लम थी मैंने वो कहीं से सीखी। वसीम, वकार, इमरान भाई, ये तो बहुत बड़े बॉलर हैं, इनका तो मेरे साथ कोई मैच नहीं है और ना मेरा इनके साथ मैच हो सकता है। मैं दूसरा पैदा हूँ, मैं वसीम अकरम नहीं बन सकता।